नमस्कार, डीडी डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात करेंगे पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा की। धारावाहिक श्री कृष्णा के बृहस्पतिवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि ताड़कासुर ने तीनों लोकों में तबाही मचा रखी है। सभी देवता ताड़कासुर के आतंक से परेशान हैं। सभी देवता विष्णु भगवान के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो ताड़कासुर को हराएं। नारायण नारायण प्रभु, दैत्यराज ताड़कासुर ने पाताल और पृथ्वी लोक को परास्त करने के पश्चात इंद्रलोक में देवराज इंद्र को भी युद्ध में परास्त कर दिया। हे प्रभु, हम आपसे ये याचना करने आए हैं कि आप ताड़कासुर के अधर्म के राज को समाप्त करके फिर से धर्म का राज स्थापित करने में हमारी सहायता करें। तो विष्णु भगवान आखिर कैसे करेंगे देवताओं की मदद, जानने के लिए देखिए धारावाहिक श्री कृष्णा रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक विष्णु पुराण के बृहस्पतिवार के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप का वध कर देता है। इधर शुक्राचार्य प्रहलाद से कहते हैं कि हिरण्यकश्यप का अंतिम संस्कार अहलाद करेगा। प्रहलाद हिरण्यकश्यप द्वारा बंदी बनाए गए सभी देवताओं को मुक्त कर देते हैं। हमें अति शीघ्र यह निर्णय लेना है कि हमारे प्रिय महाराज का अंतिम संस्कार कौन करेगा। राजकुमार प्रहलाद, और कौन गुरुदेव? इसका अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र होता है, इसलिए राजकुमार अहलाद को इसका अधिकार दिया जाए। देवराज, क्या पूरी आयु इस कारागार में कटेगी? ये सारा किया धरा ब्रह्मा जी का है। परंतु हे देवराज, अब हमारा होगा क्या? अब आप लोग मुक्त हैं। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक विष्णु पुराण सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक संकट मोचन हनुमान के बृहस्पतिवार के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि बाली की पत्नी तारा इस बात से चिंतित है कि अंगद ने सुग्रीव से लड़ाई नहीं की। ये खबर सुनकर बाली को बहुत गुस्सा आ जाता है। इधर भरत राम लक्ष्मण और सीता से मिलने के लिए जाते हैं। राम लक्ष्मण और सीता दशरथ की मृत्यु से काफी दुखी हैं। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आज अंगद ने सुग्रीव के साथ युद्ध ना करके कोई भूल नहीं की है। भ्राता भरत, क्या हुआ? आपने कैसे सोच लिया कि आप वन में रहेंगे और मैं राजसिंहासन पर बैठ जाऊंगा? उसे विधि का विधान समझो। और ये बताओ, अयोध्या कैसी है? पिताश्री कैसे? पिताश्री कैसे? पिताश्री कैसे? पिताश्री कैसे? पिताश्री कैसे? क्या हुआ भ्राता? महाराज दशरथ नहीं रह रहा, महाराज दशरथ नहीं रह रहा, महाराज दशरथ नहीं रह रहा, महाराज दशरथ नहीं रह रहा। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान रोजाना शाम 7 बजे डीडी भारती पर। और अब बात कर लेते हैं धारावाहिक शक्तिमान की, जिसमें बृहस्पतिवार को आपको देखने को मिलेगा कि शक्तिमान मणि के जरिए देखता है कि जवानों की एक टुकड़ी रंजीत सिंह को ढूंढते हुए नकली रंजीत सिंह तक पहुंच जाती है। नकली रंजीत सिंह अपने साथियों को नहीं पहचान पाता और उन पर गोलियां चलाने लगता है। तब कौशल्या उन्हें ऐसा करने से रोकती है। यह किसी औरत के जूते के निशान है, इसका मतलब कहीं मेजर रंजीत सिंह के साथ कौशल्या भाभी तो नहीं? हमें तो ये कोई शैतानी चाल लग रही है। कैसे? कोई हमारा नाम लेकर हम तक पहुंचना चाहता है। मेजर साहब। सर, अच्छा आप मिल गए, कहाँ को गए थे आप? वो हम जरा जंगल में। ये क्या कर रहे हैं मेजर साहब? मेजर साहब, आप क्या कर रहे हैं? हमें मारने आए हो शैतानों, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या कर रहे हैं आप मेजर साहब, क्या कर रहे हैं? कौशल्या, ये शैतान लोग हमारे बच्चे को मारने आए हैं, हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम ये शैतान नहीं, आपके साथी है। तो क्या कौशल्या और जवान नकली रंजीत सिंह की असलियत जान पाएंगे? जानने के लिए देखिए धारावाहिक शक्तिमान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद।
हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।